आपका भी चालान कट गया। चलो मेरा भी कट गया आज, आपका भी कट गया। तो आज हम दोनों मिलके क्या करते हैं, चालान को ऑनलाइन पटाते हैं, मतलब उसको हम ऑनलाइन पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, ये अपने बाजू में आ रही है स्क्रीन में, तो इसको देखो। तो मैंने यहाँ डाला क्या, चालान एमपी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ डालना है चालान एमपी। और चालान एमपी डालने के बाद, ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे को, चालान एमपी डालने के बाद जो सबसे ऊपर ये वेबसाइट आई है, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट आई है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमको डालना है हमारी गाड़ी नंबर, जो MP 10, MP 20, MP 04, MP 09, ये जो भी आपका गाड़ी नंबर है वो आपको डालना है। जैसे भोपाल में हो आप तो भोपाल का गाड़ी नंबर जो RTO लगता है वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पर अपने वो कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सर्च वाली बटन पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ी देर लोडिंग होगा। अब जब लोडिंग हो गया है, यहाँ पर वो पूछ रहा है मोबाइल नंबर, ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर अपने को डालना है। और यहाँ पर क्लिक कर दो सेलेक्ट टू पे, तो ये सेलेक्ट टू पे कर दो। और उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो ई चालान। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑफेंसेस में जो डाउनलोड ई चालान फॉर ऑफेंसेस डिटेल, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ये PDF में देख लो, मैं कर देता हूँ ओपन। ये देखो, ये जो मेरा चालान कटा है, ये चालान है, ये गाड़ी में हेलमेट नहीं लगाया इसलिए मेरा ये चालान कटा है। और ये लिखा भी हुआ है, हेलमेट धारण नहीं करने पर ये चालान कटा है। 250 रुपये का चालान है, तो हम इसको अभी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चालान है, ये पूरा चालान है। अब मैं यहाँ से किया हूँ पे चालान। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर कंपलसरी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो मैंने मोबाइल नंबर फिल किया, आपको भी मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद प्रोसेस कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे में अगर आप चाहो तो MP ऑनलाइन की जो कियोस्क है उससे भी भर सकते हो, मतलब उससे भी पे कर सकते हो, और अपने UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो। तो मैं UPI से कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर रिफ्रेश होगा। उसके बाद मैं UPI से कर रहा हूँ, तो अभी ये नीचे जो ऑप्शन आया है UPI का, तो ये जो पेटीएम वाला ऑप्शन है, मैं पेटीएम वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा थोड़ा स्लो है, थोड़ा, तो अब मैं पेटीएम वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ये हो गया क्लिक, और ये आ गया मुझे पेमेंट, पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो इसमें मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा, ये जो सबमिट का बटन है, सबमिट में क्लिक कर दूंगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी है मोबाइल नंबर, डालकर, और वहाँ से या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे जो पे करना पड़ रहा है, मैं पोस्ट पेड से करूँ, पेटीएम पोस्ट पेड से, तो मुझे 266.10 पैसे करना पड़ रहा है, ठीक है, 266.10 रुपये। अब ये मेरा हो गया, मैंने कर दिया सबमिट। अब ये हो गया, मेरे को आ गया ये चालान की रिसिप्ट। तो मैंने यहाँ पर पटाया हूँ 250 रुपये, और प्लस पोर्टल चार्ज, और ये पूरा मिला के मुझे 266 रुपये लगा। और ये पूरी डिटेल आ गई है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ट्रांजेक्शन नंबर वो आ गया है। अब क्या करना है हमको, इसको प्रिंट ले लेना है और अपने पास रख लेना है, इसको प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो तो हम ये दिखा सके कि भाई हमने ये चालान पटा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये मैंने डाउनलोड करके सेव करके अपने फ़ोन में भी रख लिया। तो यही आपको भी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर देखो ऑनलाइन आपका चालान नहीं शो हो रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा कोर्ट जमा करने के लिए, और कोर्ट में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपको जाना है, चालान भरना है, बस, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 दिन, देखो 15 दिन की लिमिट होती है, 15 दिन के बाद अगर आप, जैसे आपके पास पोस्ट आया, और पोस्ट आने के 15 दिन के अंदर में हमको चालान पे करना होता है ऑनलाइन, नहीं तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो समझ गए, चलो।